सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बचाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं। करने जा रहा हूँ मुस्तजनी हस्त मिथुन से क्या क्या नुकसान होते हैं और फिर इसका मैं आपको एक सोल्यूशन भी दूंगा जो कि बाजारू सोल्यूशन होगा। ठीक है दोस्तों, जब आप मुस्तजनी करते हो तो आपको कई तरीके के नुकसान होते हैं। उनमें से नंबर एक होता है आप जो है आप जब मुस्तजनी करते हो, सपोज करो ये आपका लिंग है तो या तो आप ऐसे पकड़ते हो या दूसरे लेफ्ट हैंड से पकड़ते हो, जिस तरीके से तरफ से आप हाथ पकड़ते हो उधर से इस साइड की जो नसें होती है अगर आपने ऐसे पकड़ा सपोज कीजिए तो इस साइड की नसें आपकी ख़राब हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा आपका लिंग टेढ़ा भी हो सकता है और आपका लिंग छोटा भी हो जाएगा। उसके साथ साथ जो आप अगर आप जो है टीन एज में हस्त मैथुन करते हो तो आपके जो लिंग की ग्रोथ है वो भी जो है रुक जाती है। ठीक है और आपका लिंग बहुत ही सिकुड़ा सिकुड़ा सा रहता है और उसके साथ साथ आपकी जो लिंग की नसें हैं वो भी जो है उखड़ी उखड़ी सी रहती है हमेशा। तो दोस्तों आपको सबसे ये तो होता है पहला नुकसान, ये तो हुआ आपको जो डायरेक्टली नुकसान हो रहा है। इसके अलावा जो आपका वीर्य है धीरे धीरे जब आप दिन में दो बार तीन बार हस्त मैथुन करते हो तो उससे क्या होता है आपका वीर्य पतला हो जाता है जिससे उसमें आपके शुक्राणु जो है कम हो जाते हैं और फिर आप बाप बनने में भी आपको दिक्कत होती है शादी के बाद। लेकिन इन सभी समस्याओं के अलावा जो दिक्कतें होती हैं उसमें ये भी दिक्कतें आ सकती है आपके साथ कि आपका जो है अगर आप ज़्यादा मुस्तजनी करते हो तो कुछ टाइम तक तो आपको असर नहीं दिखाई देगा इसका, लेकिन 2 साल बाद 3 साल बाद आपको फिर जो है बॉडी गिरने लगती है, आपका शरीर टूटर टूटर रहने लगता है, हमेशा ऐसा मन करता है आपका कि जो है बस मैं लेटर हूँ कोई मुझे काम बिल्कुल ना बताए और कमर दर्द होने लगता है, घुटने चटकने लगते हैं, चट चट की आवाज़ आती है, जोड़े जो होते हैं आपके कुछ भी जोड़ होते हैं वो सब ढीले हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर आपकी जो है खाली हो चुके होते हैं आपको। तो इन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है आगे चलकर जब आपकी शादी हो जाती है। जब आपकी शादी होती है तो होता क्या है आपकी बीवी को आप संतुष्ट नहीं कर पाओगे, जब आप अपनी बीवी को संतुष्ट नहीं कर पाओगे तो आपके जो रिश्ते होते हैं वो भी टूटने लगते हैं। अगर रिश्ते टूटने लगते हैं तो फिर जो है कुछ तो ऐसी भी नौबत आती है कि शादियाँ टूट जाती है। तो उन सबसे बचने के लिए सबसे पहली चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हस्त मैथुन आज ही छोड़ दीजिए। ठीक है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए जो लोग शपथ ले रहे हैं आज छोड़ने के लिए। ठीक है दूसरी चीज़ मैं कहूँगा आप जो है कि कोई ना कोई दवाई लीजिए या तो आप घरेलू नुस्खा लीजिए। ठीक है या फिर आप जो है बाजारू नुस्खा जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ वो ले सकते हैं आप। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ कि आपको क्या इस्तेमाल करना है। दोस्तों अगर आपको कोई भी समस्या है जैसे कि हस्त मैथुन शाही कमजोरी, आपका जो है नसों की कमजोरी, इसके अलावा शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, धात गिरना या फिर प्री मेच्योर एजुकुलेशन या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इन सभी में आपको जो है ये दवाई जो गोली उस्ताद के नाम से है, मैंने ऑलरेडी पहले भी वीडियो बनाई है इस पर, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं लोगों को इसको। देखो 100% रिजल्ट तो किसी चीज़ का नहीं होता क्योंकि ये भी दवाई है, आयुर्वेद की दवाई है प्योर, और कुछ लोग जो होते हैं जो बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में होता है उनको ये हो सकता है आराम ना भी करे, लेकिन 95% लोग जो है इससे ठीक हो रहे हैं। ठीक है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। आप मेरी वीडियो पुरानी काफ़ी भी पहले 6 महीने पहले मैंने बताई थी इसको, उसमें भी जो है आप देख सकते हो या फिर जो है आज जो, जो आप कमेंट सेक्शन में भी देख सकते हो। बहुत सारे लोग जो है मुझे बताइए जिन्होंने इस्तेमाल किया जो है और उनको फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास इसका खुला, इसमें जो है क्या होता है कि इसमें 2 बॉक्सेज होते हैं, 30-30-30 इसमें गोली होती है और 30 इसमें गोली होती है, और ये इसके साथ सुपर 9 ऑयल इसमें अंदर होता है जो कि बिल्कुल फ्री होता है इसके साथ। तो मैं आपको गोलियां दिखा देता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी एक डब्बा है खुला हुआ तो मैं उसको आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल 100% आयुर्वेदिक है और कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है, इसके अंदर जो जड़ी बूटी है वो भी आपको मैं बताऊँगा। ठीक है तो ऐसी गोली निकलती है इसके अंदर से, यह आप देख भी रहोगे गोली बिल्कुल आयुर्वेदिक है, आप इसको तोड़ोगे तो ऐसी टूट जाएगी। ये बहुत ही मतलब ये समझ लीजिए कि जेन्युइन हाथों से बनाई हुई गोली होती है ये। अगर आपको जो है लाते क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ये बिल्कुल जम सी जाती है अगर आपके पास पहुंची है, कुछ लोगों की शिकायत थी मेरे कमेंट किया होता तो आप इसकी दोबारा से गोली बना सकते हैं इसे और जो है तब ले सकते हैं। तो ये है ऐसी गोली देखने में होती है बिल्कुल देसी गोली होती है। तो अब मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई है जिसकी वजह से ये एक बेहतरीन फॉर्मूला है। दोस्तों इसके अंदर रहेगा जायफल पड़ा हुआ है, सतावर पड़ा हुआ है, अश्वगंधा पड़ा हुआ है, लौंग पड़ी हुई है, अकरकरा पड़ी हुई है, मूसली सफ़ेद पड़ी हुई है, मूसली काली, विदाराकन, गिड़ी सिंघाड़ा, इसमें लाजवंती भी पड़ी हुई है, जलजमनी पड़ी हुई है। जलजमनी एक ऐसी चीज़ है जो कि पानी को भी जमा देती है और अगर आप इसको खाएंगे तो आपका वीर्य इतना गाढ़ा हो जाएगा कि आप जो है बीवी को संतुष्ट कर देंगे तब भी आपका वीर्य नहीं छूटेगा। ठीक है
इसके अलावा इसमें जो है मिर्च काली पड़ी हुई है, कोच पड़े हुए हैं, शुद्ध शिलाजीत, तो अगर सिर्फ शिलाजीत भी आप खा लेते हैं तब भी आपकी जो स्टेमिना है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और आपके अंदर स्फूर्ति का संचार हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा केसर पड़ा हुआ है इसमें, केसर भी आप जानते हो कि केसर भी सेक्सुअल प्रॉब्लम में बहुत ही ज़्यादा मुफीद चीज़ होती है। इसके अंदर भस्म भी पड़ी हुई है, जैसे कि लोह भस्म है, अभ्रक भस्म है, वंग भस्म है और हनी और शुगर इसके अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। तो इसके अंदर शुगर पड़ी हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि इसको जिन लोगों को शुगर है वो लोग इसको इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि कितनी कितनी आपको डोजेज इसकी लेनी है। दोस्तों अगर आपको समस्या ज़्यादा है, यानी आपको समस्या आपने 5 साल 6 साल 10 साल से आप अस्तमेतुल करते हैं, तो आपको 2 गोली सुबह लेनी है, इसकी चबा कर खानी है, सुबह खाली पेट चबा कर खाने के बाद ऊपर से आपको 1 गिलास दूध पीना है। दूध जरूरी है इसके ऊपर, क्योंकि जो है अगर आप इसको, जैसे कि आजकल की मौसम है हल्की गर्मी है तो आप दूध के साथ ही लें, लेकिन सर्दी में आप इसको पानी के साथ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और इसके बाद अब मैं बात करता हूँ कि इसको आपको लेना कहाँ से है। दोस्तों ये अमेजोन पे भी अवेलेबल है, इसके अलावा जो है स्नैपडील भी अवेलेबल है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सब जगह अवेलेबल है और स्क्रीन पर आपको नंबर भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से भी आप जाकर इसको खरीद सकते हैं और कॉल करके हेल्पलाइन नंबर पर जाकर भी। और इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा महंगा प्राइस नहीं है इसका, ये सिर्फ और सिर्फ 1350 रुपये का इसका प्राइस है, ठीक है। और ये यूनिक फार्मा का प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। इस समय आयुर्वेद में सिर्फ प्योर आयुर्वेद है, अगर आप इसका चाहो तो लैब टेस्ट भी करा सकते हो, इसमें जो है 100% आयुर्वेदिक चीज़ें डली हुई है। मैं तो इसको अपने क्लिनिक पर काफ़ी यूज़ करता हूँ तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं कि कितने दिनों तक आपको इसको लेना है। दोस्तों इसको लेने के लिए आपको कम से कम 75 दिन, यानी 75 दिन आपको इसको खाना होगा। अगर आपको इसको कंप्लीट कोर्स करना है तो 3 महीने तक आप इसको लीजिए, 1 महीना 2-2 गोली लीजिए और उसके बाद 1 गोली सुबह 1 गोली शाम कर दीजिए आप इसको, ठीक है। और इसके 1 महीने के बाद रिजल्ट आने शुरू होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने 15 दिन खाया, 10 दिन खाया, हमें कोई रिजल्ट नहीं आया। भाई ये आयुर्वेदिक गोली है, ऐसे 10 दिन में इसका रिजल्ट नहीं आएगा, फिर तो आप एलोपैथिक दवाई लीजिए कोई मैनफोर्स टाइप की और तुरंत रिजल्ट लीजिए। इसका रिजल्ट तो आयुर्वेद का 100% अंदर से आपको ठीक करता है। जब आप अंदर से स्ट्रांग हो जाओगे तो फिर आपको कभी फ्यूचर में भी दिक्कत नहीं आती है। और जो इसके अंदर सुपर 9 ऑयल दिया गया है, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इसको कैसे इस्तेमाल करना है दोस्तों, मैं आपको सिर्फ आइडिया दे देता हूँ कि कैसे आपको इसको इस्तेमाल करना है। इसको आपको कम से कम रात को सिर्फ 1 बार लगाना है, इसको 4 से 5 या 6 बूंदे आप ऐसे ड्रॉप लीजिए इसकी, ठीक है। ऐसे लेने के बाद अपने लिंग पर इसको हल्के हल्के मसाज कीजिए, टोपी छोड़ देनी है आपको, इसकी सिर्फ लिंग पर मसाज करनी है अच्छे से, सारे ऊपर नीचे चारों तरफ को मसाज कर लेनी है और मसाज कम से कम 2 से 3 मिनट होनी चाहिए। अगर आपका वीर्य निकलने वाला होता है, जिन लोगों का वीर्य बहुत जल्दी निकल जाता है उनको 1 मिनट मसाज करने के बाद इसको जो है इस पर पान का पत्ता बांधना है आपको। ये पान का पत्ता दिया हुआ है, इसको आपको बारीक बीच में से चीर लेना है, जैसे मैं चीर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और फिर इस पर भी आपको तेल लगा लेना है, इस प्लेन वाली साइड पर। प्लेन वाली साइड पर तेल लगाने के बाद आप अपने लिंग पर इसको ऐसे लपेट लेंगे, ठीक है। ऐसे लपेटने के बाद आप, अगर कच्चा धागा है ये तो थोड़ा सा ढील वाला धागा है, ये धागा नहीं बांधना आपको, तो मैंने धागे था नहीं मेरे पास इसलिए मैंने ले लिया। कच्चा धागा तो कच्चे धागे से आपको ऐसे लपेट लेना है इसको, ठीक है। ज़्यादा टाइट बिल्कुल नहीं लपेटना, क्योंकि रात को आपको जोश आएगा, जब आपको जोश आए तो ये खुल जाना चाहिए। या फिर जो डॉक्टर लोग हैं, पट्टी होती है, वो पट्टी आप लपेट लीजिए अपने लिंग पर और इसको बांधकर सो जाइए। रात को आपको जोश आएगा, जब जोश आ जाए तो आप इसको खोल दीजिए। ऐसे आपको कम से कम 10 दिन तक आपको ये तेल उस तरीके से लगाना है। उसके बाद फिर आप नॉर्मली मसाज कर सकते हैं इस तेल की बिना पान के पत्ते के, लेकिन 10 दिन तक आपको पान का पत्ता भी बांधना है। अब मैं बात करता हूँ कि इसके परहेज क्या क्या है, क्योंकि परहेज काफ़ी ज़रूरी है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको कम से कम 30 दिन तक स्टार्टिंग में सेक्स नहीं करना है, हस्तमैथुन बिल्कुल छोड़ देनी है। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज जरूर करनी है, मस्ट है इसके साथ एक्सरसाइज करना, क्योंकि अगर आपको कब्ज होता है तो फिर ये दवाई आपको बिल्कुल भी काम नहीं करेगी, डायरेक्टली आप खाओगे और ऐसे ही बाहर निकलेगी आपकी, तो आपको कब्ज अपने अंदर नहीं होने देना। इसके लिए आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है, या तो आप जिम जाओ या रनिंग करो या फिर जो है योगा भी कर सकते हो। और दूसरी चीज़, जिन लोगों को कब्ज होता है वो लोग क्या करें, दूध, जब दूध के साथ आप लेते हो इसको, तो दूध में कम से कम 5 से 6 मुनक्का डाल के उस दूध को पिए और उस दूध की जो मुनक्का होती है उनको खा लीजिए और बीज को निकाल दीजिए इसी गोली को खाने के साथ साथ, तो ये उसको फिर आपको कब्ज नहीं होने देगी। उसके अलावा आपको तली भुनी चीज़ों का बिल्कुल परहेज करना है,
समोसे वगैरह बिल्कुल बंद कर देने हैं, मोमोज वगैरह, तो ये सब चीज़ें इसका परहेज है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि दूसरे लोगों की भी हेल्प हो सके। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।